हेलो फ्रेंड्स, सभी कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। ठीक है, तो बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी कि हमें इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, क्योंकि जो बच्चे 11th से पास आउट हुए हैं, 12th में आए हैं, उनको इकोनॉमिक्स का बड़ा वो लग रहा है, एक डर सा लगा हुआ है कि जब एग्जाम आएंगे तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज से हम अपने चैनल पे इकोनॉमिक्स का जो विषय है वो पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल पूरा क्रैश कोर्स कराएंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, एक भी ऐसा वीडियो लेक्चर नहीं होगा जिसमें आपके टाइम वेस्ट हो। ठीक है, सारी चीज को हम डेप्थ से जानेंगे और अच्छे तरीके से जानकर उसको फिर एनालाइज करेंगे और एग्जाम के आंसर्स भी देखेंगे हम किस तरीके से बहुत इजिली वे में कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है और इंट्रोडक्शन लेक्चर में आज मैं अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि समष्टि, इनके बीच में डिफरेंसेस समझाऊंगा और भी चीज़ों पर हम बात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक बातें? आज एडिशनल इन्फॉर्मेशन और फिर ये आपका समष्टि का फर्स्ट चैप्टर होगा जो मैं आज कराने वाला हूँ, जो कि इंट्रोडक्शन है। आफ्टर देन हम इसको बिल्कुल सीरियस से चलेंगे, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, सेकंड चीज क्या है कि नेशनल इनकम में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है, तो नेशनल इनकम भी बहुत सिंपली वे में करेंगे, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। नेशनल इनकम को हम टेबल के जरिए करेंगे, अब टेबल मेथड क्या होता है वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, और इससे क्या होगा कि उससे आप टिप्स पे कर दोगे अपने नेशनल इनकम के क्वेश्चन, और नेशनल इनकम का क्वेश्चन भी आपका नहीं रहेगा पेपर में। क्लियर यहां तक? चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, इंट्रोडक्शन की वीडियो है, सबसे पहला क्या है कि अर्थशास्त्र। अब ये जो अर्थशास्त्र है मैंने केवल इतना ही लिख रखा है, मैंने पूरा बोर्ड नहीं भर रखा। ठीक है, क्योंकि मुझे यही चीजें आपको समझानी है, ये बिल्कुल बेसिक है। तो अर्थशास्त्र क्या है, इस चीज को शुरू कर रहे थे, अर्थ को पढ़ेंगे पहले हम। तो अर्थ में हम जानते हैं बिल्कुल बेसिक से, देखिए अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है, एक विषय वस्तु तो ही है। आप ये जो पढ़ रहे हो क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो अर्थशास्त्र में सबसे पहले मैं डालूंगा एक सब्जेक्ट है। ठीक है, एक विषय वस्तु है। जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन को पढ़ते हैं, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। देखिए, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन और साथ में आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन में हम ये देखते हैं कि समस्या कौन सी आई, इकोनॉमी में क्या समस्या है और उनका निवारण, या बोल सकते हो उपाय या समाधान। क्लियर यहां तक बातें? चलिए अब पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थ में देखेंगे तो अर्थशास्त्र एक विषय वस्तु है। क्या है, एक विषय वस्तु है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, और आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन में हम उनसे संबंधित समस्या को देखते हैं और समाधान को देखते हैं। देखिए, पहले समस्या ही लिखना है, उसके बाद समाधान लिखना है, पहले समाधान और समस्या नहीं लिख सकते। क्लियर यहां तक? क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको जब कोई प्रॉब्लम होता है ना तब आप उसका सॉल्यूशन करते हैं, ये नहीं कि पहले सॉल्यूशन कर दिया फिर वो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी समस्या, आफ्टर देन समाधान। अब ये आर्थिक क्रिया क्या होती है, देखिए आर्थिक क्रिया में एक व्यक्तिगत से लेकर, व्यक्तिगत, ठीक है, आर्थिक क्रिया से लेकर एक संपूर्ण स्तर तक की, संपूर्ण स्तर तक आर्थिक क्रिया ठीक है, एक व्यक्तिगत आर्थिक क्रिया से लेकर एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर तक की आर्थिक क्रिया, ठीक है, इन दोनों को ही लिया जाता है। अब इनकी आर्थिक क्रियाओं में इनकी समस्या भी लेंगे और समस्या के साथ 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 समाधान भी लेंगे। क्लियर? तो इसमें हम समस्या भी लेंगे और समाधान भी लेंगे। ये क्या लिखा है, ये व्यक्ति आर्थिक क्रिया, ठीक है, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत आर्थिक क्रिया, मैं इसको पूरा लिख देता हूं मिटा के, ठीक है, व्यक्तिगत आर्थिक क्रिया, ठीक
क्लियर है यहां तक? ठीक है, अभी इसको समझना है हमें क्या है, क्योंकि हम अगर इसको समझ गए तो अर्थशास्त्र समझ जाएंगे क्या है। अब देखिए व्यक्तिगत आर्थिक क्रिया क्या होती है कि व्यक्ति में उपभोग कैसे करता है, उत्पादन कैसे करता है, ठीक है, कैसे निर्णय लेता है कि कितने प्राइस में उसको कितनी वस्तुएं खरीदनी है, तो हम इन चीजों को आर्थिक क्रिया कहते हैं। उसको जो प्रॉब्लम आती है फिर उसका सॉल्यूशन, ठीक है। संपूर्ण स्तर पर रोजगार बेरोजगारी, ये एग्जांपल्स होते हैं कि रोजगार हो गया, बेरोजगारी हो गई, मुद्रास्फीति हो गई, अविस्फीति हो गई, ये सारी प्रॉब्लम्स को लिया जाता है और इन्हीं प्रॉब्लम्स को क्या कहा जाता है, हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यही आर्थिक क्रिया अपने आप में जो इकोनॉमिक्स के मीन को एक तरीके से समेटे हुए आए। क्लियर है यहां तक बातें? चलिए तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, इसका वो अर्थ देख लेते हैं। अर्थशास्त्र क्या? अर्थशास्त्र एक विषय वस्तु है, एक विषय वस्तु है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थात उसकी समस्या और उसके समाधान का अध्ययन किया जाता है। यहां तक बिल्कुल अर्थ एकदम क्लियर हो गया। अब यहां तक अर्थ क्लियर हो गया तो हम ये देखते हैं कि आखिरकार आर्थिक क्रियाओं का जो अध्ययन है वो करते क्यों है, क्या रीजन है जो हम इसके आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, कारण देखते हैं। तो देखिए रीजन में क्या है, रीजन में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो संसाधन, संसाधन जितनी भी है ना वो कैसे हैं? सीमित है, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, उनके वैकल्पिक उपयोग है, उपयोग, क्लियर। थर्ड अगर मैं बात करूं, संसाधन है, संसाधन सीमित है, वैकल्पिक उपयोग है। थर्ड अगर मैं बात करूं तो मानव की जो आवश्यकता है, मानव की आवश्यकता असीमित है, मानव की आवश्यकता असीमित है। क्लियर यहां तक बातें? चलिए आगे देखिए तीन रीजन है, ठीक है, इन्हीं के कारण से हम अपने इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी संसाधन है किसको, आवश्यकता को पूरा करने के लिए, सबसे पहली बात वो लिमिटेड है, दूसरी बात उसके वैकल्पिक उपयोग है। तो हम ये देखते हैं कि हम अपनी ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताओं को उन संसाधनों का यूज करके कैसे ज्यादा से ज्यादा पूरा कर सकते हैं, कम से कम संसाधन यूज करने और ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता पूरी करनी। अब ये चीज समझनी है तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल बड़ा नहीं लेंगे, एग्जाम्पल एकदम छोटे स्तर का लेंगे। सपोज दैट मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं कि आपके घर की जो टंकी है 500 लीटर पानी की वो भरी हुई है, अब लाइट चली जाती है, आपकी बिजली चली गई, अब वो टंकी में पानी जो है वो लिमिटेड हो गया, अब उस लिमिटेड पानी का यूज आपको करना है। देखिए आपकी जो पानी से आवश्यकता है वो असीमित है, पानी से जो आवश्यकता है वो असीमित है, आपको घर साफ करना है, गाड़ी साफ करनी है, बहुत सारे नहाना है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम पानी से दैनिक यूज में करते हैं, डेली यूज में करते हैं। क्लियर यहां तक बातें? ये मानव की आवश्यकता है, लेकिन अभी वो मैंने पानी कैसे कर दिया, सीमित कर दिया। अब ये बताइए कि क्या पानी के वैकल्पिक उपयोग नहीं है? है ना वैकल्पिक उपयोग, हम उसका बहुत सी जगह यूज कर सकते हैं। तो अब हमें जब संसाधन सीमित हो गए तो क्या चूज करना पड़ रहा है, ये चूज करना पड़ रहा है कि हम उस पानी के यूज को अपनी असीमित आवश्यकताओं को जो पूरा करने के लिए कहां कहां यूज करें, हाँ या ना? हम उस पानी पे यही तो देख रहे हैं कि हमने अब उस पानी को उसी जगह ज्यादा खर्च कर रहे हैं जहां पर हमें संतुष्टि ज्यादा होगी, जहां पर संतुष्टि कम होगी वहां पर खर्च नहीं कर रहे। क्लियर यहां तक बातें? तो यही इकोनॉमिक्स है, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी जो आवश्यकता है जो ज्यादा संतुष्ट हो सकती है हम उसको पूरा करते हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो कैसे हैं? सीमित है। यहां तक बातें समझ में आ रही है? ठीक है, अभी हम आगे चलेंगे। संसाधन सीमित है और इस संसाधन सीमित को जो एडम स्मिथ ने जोड़ा था, अगर मैं बात करूं, देखिए आप इसको पहले उतार लीजिएगा, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। अभी हमें इसकी जरूरत है। तो अगर मैं बात करूं तो एडम स्मिथ, क्लियर, इनको क्या कहा जाता है, इनको जन्मदाता बोला जाता है, जन्मदाता, ठीक है, किसका, इकोनॉमिक्स का, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। लेकिन जो बुक लिखी थी वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी चाणक्य ने, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम की बुक सबसे पहले लिखी थी,
ठीक है, उनकी जो बुक थी ना वो राजनीति पर ज्यादा डिपेंड थी, इसलिए उनकी बुक को इकोनॉमिक्स का जन्मदाता, उनको इकोनॉमिक्स का जन्मदाता नहीं कहा गया। क्लियर यहां तक बातें? ठीक है, जो एडम स्मिथ की थी वही थी, वो पूरी अर्थशास्त्र पर बेस्ड थी, इसलिए उनको अर्थशास्त्र का जन्मदाता कहा गया। अब यहां पर हम अर्थशास्त्र का डेफिनेशन देखेंगे। तो अर्थशास्त्र को एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन में लिखा है, वो लिखा है अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है, धन का विज्ञान है। ठीक है, हम अपने धन का विज्ञान कि हम धन का यूज जो लिमिटेड है उसको किस किस तरीके से करते हैं, कैसे अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल को पूरा करने के लिए करेंगे। क्लियर यहां तक बातें? दूसरी चीज और बता देता हूं आपको कि जब एडम स्मिथ ने अध्ययन किया था अर्थशास्त्र का, तब उन्होंने बड़े स्तर पर नहीं किया था, तब उन्होंने छोटे स्तर पर किया था। छोटे स्तर पर मतलब माइक्रो पर, जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब ये आपने 11th में पढ़ी है, ठीक है, क्लियर, आपने 11th में पढ़ी है। अब ये देखिए, जो हमने वहां पर लिखा था आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, व्यक्तिगत आर्थिक क्रिया और संपूर्ण, तो ये जो व्यक्तिगत आर्थिक क्रिया की जाती है ना, इसको हम किस में करते हैं, इसको हम करते हैं व्यष्टि के अंतर्गत। किस में करते हैं, व्यष्टि में। ठीक है, मैं छोटा लिख रहा हूं यहां पर, आप समझ लीजिएगा। और जो संपूर्ण स्तर पर करते हैं उसको किस में करते हैं, समष्टि में, जो कि हम आपकी बुक स्टार्ट कर दी हमने उसी में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक बातें? चलिए, तो हमें पढ़ना क्या, हमें पढ़ना है संपूर्ण स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। क्लियर यहां तक बातें? डेफिनेशन हो गई आपकी, ठीक है, एडम स्मिथ जन्मदाता हो गए इनके, ये सारी बातें, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हम इसके बाद व्यष्टि और समष्टि को अच्छी तरीके से समझेंगे कि व्यष्टि क्या है, समष्टि क्या है, उनके डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि ये भी आपके पहले चैप्टर में, तो हम इनको भी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। इतने आप पहले से उतार लीजिए, हम पढ़ेंगे यहां पर व्यष्टि और समष्टि और इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। क्लियर है यहां तक बातें? चलिए, तो यहां पर व्यष्टि अर्थशास्त्र और यहां पर समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में बीच में लिख देता हूं, ठीक है, आप जोड़ लीजिएगा क्योंकि स्पेस भी हो जाता है और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अर्थशास्त्र, क्लियर यहां तक बातें? चलिए, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किस स्तर पर किया जाएगा, व्यक्तिगत स्तर पर। किस स्तर पर किया जाएगा, व्यक्तिगत स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर क्या रहे हैं, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। आपको बिल्कुल साथ साथ बैठ के नोट डाउन करना है, क्योंकि मैं पूरी प्रॉपर चीज अगर बॉडी पर लिखने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आप एक बार दो बार आराम से देखिएगा वीडियो, वीडियो यूट्यूब पे डिलीट नहीं होगी। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो पहला डिफरेंस है उसमें आपको लिखना है कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है, व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है। अगर मैं समष्टि में बोलूंगा तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किस स्तर पर किया जाएगा, संपूर्ण या कह सकते हैं आप समग्र स्तर पर, समग्र स्तर पर किया जाता है। क्लियर है यहां तक बातें? चलिए, इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे पहले आएगा एक फर्म, एक फर्म हो गई, एक परिवार हो गया, ठीक है, आदि। यहां पर अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो आप लिख सकते हैं रोजगार, आप लिख सकते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है, आप लिख सकते हैं अवस्फीति, आप लिख सकते हैं इसमें नेशनल इनकम, ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। वो एग्जाम्पल्स तो हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाते चलेंगे आपको इजिली वे में समझ में आ ही जाएंगे। क्लियर, सारी चीजें याद हो जाएंगी, ये याद करने की जरूरत नहीं, आप पढ़ेंगे जब इतनी बार तो अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करता हूं तो जब हम समष्टि को पढ़ते हैं, जब हम इसका अध्ययन करते हैं, तब हम जितने भी व्यष्टि के अंतर्गत वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी चर होते हैं, हम उसको कॉन्स्टेंट मानते हैं। क्या मानते हैं, कॉन्स्टेंट।
तो इसमें समष्टि चर स्थिर, समष्टि चर स्थिर होते हैं। ठीक है, और इसमें कौन से होंगे, इसमें व्यष्टि चर स्थिर। अब एक चीज, ये चर क्या है, चर क्या है, ये देखिए, जो चीज हम व्यष्टि के अंतर्गत पढ़ते हैं ना, हम जब समष्टि में पढ़ रहे होते हैं तो हम ये समझते हैं कि वो जो जो भी चीज हमने अध्ययन, जो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्तिगत इकाई पर कर रहे थे, उस चीज को कॉन्स्टेंट समझ लेते हैं। क्योंकि अगर हमें इकोनॉमिक्स के किसी भी व्यवहार को समझना है तो हमें बाकी इकाइयों को क्या रखना पड़ता है, कॉन्स्टेंट रखना पड़ता है, हमें उसको एकदम स्थिर रखना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, सपोज दैट कि आपको एक पैन खरीदना है, क्लियर यहां तक बातें। अगर आपको एक पैन खरीदना है, आपकी नीड एक पैन की है, तो आप एक पैन खरीदेंगे, उसमें मैं कहता हूं आपको रेड और ब्लैक दो पैन दे दिए मैंने, आपको उसमें से कौन सा पैन खरीदना है, तब आप चूज करोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। लेकिन मैंने इसमें क्या किया, आपकी जो बाकी नीड्स थी उसको कॉन्स्टेंट मान लिया, मैंने ये मान लिया कि आपको जो कपड़े खरीदने थे वो अभी वो नीड्स आपकी कॉन्स्टेंट है, आपको जो भूख लग रही थी वो नीड आपकी कॉन्स्टेंट है। अब मैं सारी नीड्स को एक साथ ला के रख देता हूँ, आपको भूख तेज लग रही है, आपको पैन भी खरीदना है और आपको कपड़े भी खरीदने, सबसे पहला काम कौन सा करेंगे, जिसमें आपका संतुष्टि स्तर ज्यादा होगा। ठीक है, भूख में ज्यादा है तो आप पहले खाना खाएंगे, क्लियर यहां तक बातें। लेकिन अगर मुझे आपका ये इंटरेस्ट जानना है कि आप दोनों मार्कर में से कौन से कलर को प्रेफर करते हैं, तब मुझे आपकी बाकी नीड्स को कॉन्स्टेंट रख के यहां पर देखना पड़ेगा, यहां पर आपको स्टडी करना पड़ेगा कि आप किस कौन से मार्कर को चुनते हैं, क्यों चुनते हैं, क्लियर यहां तक। तो जब भी हम किसी भी एक इकोनॉमिक्स के एक वेरिएबल को पढ़ रहे होते हैं तो बाकी वेरिएबल्स को क्या मानते हैं, कॉन्स्टेंट मानकर चलते हैं, ये इकोनॉमिक्स का पहला नियम है, क्लियर यहां तक बातें। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं, तो अभी तक हमने दो डिफरेंसेस देखे, ठीक है। अगर मैं और डिफरेंसेस की बात करूं तो आप ये कह सकते हो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा इकोनॉमिक्स, ठीक है। ऐसे समष्टि को क्या कह सकते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो, क्या कहेंगे हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, क्लियर है यहां तक। ठीक है, व्यष्टि को माइक्रो, समष्टि को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। चलिए अगर मैं यहां पर एक और डिफरेंस देखूं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक जो दूसरा नाम है वो नाम क्या है, उसको इस नाम से भी जानते हैं, व्यष्टि को, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत, क्या, कीमत सिद्धांत अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आपकी विजिबिलिटी पूरी ना हो तो आप एक उतार लीजिएगा, मैं बोल ही रहा हूं साथ साथ में। ऐसे समष्टि अर्थशास्त्र को क्या, कौन सा सिद्धांत कहते हैं अर्थशास्त्र, रोजगार, ठीक है, रोजगार का सिद्धांत, और भी सिद्धांत आते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन मेन रोजगार का सिद्धांत हो गया, क्लियर। तो ये आपके डिफरेंसेस हैं, बेसिक डिफरेंसेस हैं, इनको आप लिख सकते हैं। देखिए एग्जाम में 2 से 3 डिफरेंस आने वाले हैं, 2 से 3 डिफरेंस, और साथ में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके में, डायरेक्ट कह देते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कहा जाता है, ठीक है। फिर यहां पे दे देंगे उपभोक्ता सिद्धांत, उपभोग सिद्धांत, और फिर उत्पादक सिद्धांत और कीमत सिद्धांत। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, कीमत सिद्धांत होगा, क्या होगा,
कीमत सिद्धांत होगा। क्लियर यहां तक बातें? चलिए, और ऐसे समझते अर्थशास्त्र को रोजगार व आय का सिद्धांत भी कह सकते हैं, रोजगार व आय का सिद्धांत, आय का सिद्धांत। क्लियर? चलिए तो फिर आप इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। क्लियर? उतार लीजिए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, देखेंगे इसको। तो यहां पर क्या लिखा है, ये दुर्लभता लिखा है। दुर्लभता, देखिए दुर्लभता क्या होता है, एक तरीके से लिमिटेशन, ठीक है। अगर ये लिमिटेड है, अगर इसकी दुर्लभता अधिक है, मैं कंडीशन देता हूं, सबसे पहले दुर्लभता क्या सी है, अधिक है। कोई ऐसी चीज है जो बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, अधिक है उसकी दुर्लभता, जो लिमिटेशन बहुत ज्यादा है, तो उसका जो प्राइस होगा, जो कीमत होगी, वो भी कैसी होगी, कीमत भी अधिक होगी। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर दुर्लभता लिख देता हूं, क्लियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत मुश्किल से क्या मिलता है, हीरा। अगर बहुत मुश्किल से हीरा मिलता है तो उसका प्राइस कैसा है, अधिक है, या ना। सेकंड चीज देख लेते हैं, जिस वस्तु की दुर्लभता कम होती हो, दुर्लभता कैसी होती हो, कम होती हो, अगर दुर्लभता कम है तो उसका प्राइस भी क्या होगा, कम। माइनस से डिनोट कर दो इसको, ठीक है। आपको नोट्स में पूरा लिखना है, समझाने के लिए मैं शॉर्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। आपको पूरा का पूरा लिखना है, यदि किसी वस्तु की दुर्लभता अधिक है तो उस वस्तु की कीमतें अधिक होंगी, जैसे कि हीरा, वह दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है। और यदि किसी दुर्लभता की कीमत, दुर्लभता कम है तो उसकी कीमत भी कैसी होगी, कम होगी। मतलब इस, ये ज्यादा सीमित नहीं है, ये बहुत इजिली मिल जाता है, जैसे कि पानी, ठीक है, तो इसका प्राइस भी कैसा है, कम, ठीक है। थर्ड चीज, अगर कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है, दुर्लभता नहीं है, जिसमें दुर्लभता नहीं है, तो उसका प्राइस भी नहीं होगा। अगर दुर्लभता नहीं है तो उसका प्राइस भी दुर्लभ नहीं होगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके भी, ठीक है। जैसे कि आप ले सकते हो एयर, एयर बिल्कुल फ्री है और आपको ऐसे मिल रहा है, और ये दुर्लभ भी नहीं है, बहुत आसानी से उपलब्ध है, तो आप इसका क्या कोई प्राइस देते हैं, नहीं, तो प्राइस इसका नहीं होगा, ठीक है। आप कहीं पर चले गए, आपने कहीं से एक मुट्ठी, यहीं पे रोडों पे चलते हैं तो साइड में मिट्टी पड़ी रहती है, अगर एक मुट्ठी मिट्टी उठा लेंगे, ठीक है, अगर एक मुट्ठी मिट्टी उठा लेंगे तो आप ये बताइए, आप उसको, उसका कोई प्राइस देना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि उसमें दुर्लभता ही नहीं है। जब दुर्लभता नहीं है तो उसका प्राइस नहीं होगा। जो चीज ज्यादा दुर्लभ है, जैसे हीरा बहुत मुश्किल से मिल पाता है, तो उसकी कीमत ज्यादा है। जो चीज कम दुर्लभ है उसकी कीमत कम है, ठीक है। और दुर्लभता, इसका मतलब यह होता है कि वह वस्तु जिसमें शून्य कीमत पर भी उस वस्तु की मांग कैसी होती है, पूर्ति से अधिक होती है, ठीक है। जो अधिक दुर्लभ होगा उस वस्तु की मांग जो होगी वो पूर्ति से कैसी होगी, अधिक होगी। अगर मैं दुर्लभता हीरा बोलूं, अब बताइए हीरा अधिक दुर्लभ है, ठीक है, अब इसकी मांग कैसी है, ज्यादा है इसकी पूर्ति से भी, हाँ या ना। जब इसकी मांग ज्यादा है इसकी पूर्ति से, तभी तो उसका प्राइस ज्यादा है। अगर सोचिए कि कोई हीरे की डिमांड करता है नहीं, तो उसका प्राइस क्या होता, कम होता। अगर आप किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा करने लगते हैं तो उसका प्राइस भी इनहेंस होता है, प्राइस भी इंक्रीज होगा। क्लियर यहां तक बातें, ठीक है। और जो ज्यादा दुर्लभ होगा उसका प्राइस भी अधिक होगा, और इतना अधिक होगा काफी, ठीक है। यहां तक समझ में आया, इस टेबल को बहुत अच्छे से उतार लीजिएगा, ये बिल्कुल दुर्लभता का बेसिक है, आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। चलिए उतार लीजिए। तो चलिए, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि अर्थशास्त्र क्या होता है, ठीक है, अर्थशास्त्र का अर्थ, अर्थशास्त्र क्यों, रीजन पढ़ा हमने। रीजन में मैंने ये बताया था कि संसाधन सीमित है। अब एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि क्या अगर संसाधन सीमित ना हो, संसाधन असीमित हो, तो क्या अर्थशास्त्र होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है, नहीं, अर्थात नहीं। जैसे कि मैं आपको एक कंडीशन दे देता हूं,
इस कंडीशन के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए आपके पास जो पैसा है, मनी है, आज वो आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। आप मनी के जरिए किसी भी चीज को खरीद सकते हैं इजीली। अगर मैं मनी आपके पास अनलिमिटेड कर दूं, आपके पास अनलिमिटेड पैसा है, तो आप ये डिसीजन लेंगे क्या कि आपको ये चीज खरीदनी, ये चीज नहीं खरीदनी? नहीं लेंगे। क्यों? आपको जो मन करेगा वो खरीद सकते हैं, ठीक है। अब ये आपने, आपको कोई समस्या नहीं है, आपको चूज करने की कोई समस्या नहीं आ रही, चयन करने की कोई समस्या नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मनी अनलिमिटेड है। अब सेकंड चीज करते हैं, दूसरे पहलू को देखते हैं। अब मैं आपको जरूरत है 5 चीजों की, ठीक है, और आपके पास पैसे हैं केवल 2 ही चीज खरीदने के उन 5 चीजों में से, तो आप किन चीजों को प्रेफर करेंगे? जिस चीज की आवश्यकता आपको ज्यादा होगी, आप उन्हीं पर अपना जो पैसा है वो स्पेंड करेंगे। अब आपको चुनने की जरूरत आ गई ना कि नहीं भाई ये नहीं खरीदना, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये और ये वाली पहली और दूसरी वस्तु इंपॉर्टेंट है, हम उसी को खरीदेंगे। क्यों आया ये क्वेश्चन? क्यों लिया आपने डिसीजन? यही इकोनॉमिक्स है कि हमने सीमित संसाधनों में ये देखा कि हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे कर रहे हैं, कैसे हम अपने निर्णय ले रहे हैं। यही तो आर्थिक क्रिया करी है आपने। समझ में आई बात यहां तक? तो चलिए फिर आज हम अपनी वीडियो को यही रोकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट, उसमें हम अपना इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, कंप्लीट ही खत्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस वीडियो के नोट्स प्लीज जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए,